हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज है हमारी कुल देवी के मंदिर में भोग मेला, माता बलिनवासिनी के मंदिर में जो टटन में आता है। दोस्तों, तो आज जितनी भी प्रजा है वो सारी प्रजा माता रानी के मंदिर में आते हैं और यहाँ पे माता रानी को भोग चढ़ाते हैं। तो भोग में हलवा और आटे के लड्डू बनाए जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग माता रानी को भोग चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये सारी वीडियो जितनी भी है ये सारी मैंने अपने मामा जी से ली हुई है। तो अभी यहाँ पे माता रानी की आरती हो रही है सुबह की। दोस्तों, मंदिर के जो पुजारी है वो यहाँ पे अभी माता रानी की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जिनके पास भी ढोलकी है और संगीत के जो भी यंत्र होते हैं वो सारे ही आरती के समय माता रानी के मंदिर के बाहर से चक्कर लगाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। और साथ में ही यहाँ पे कारखानों भी अपने तरीके से माता रानी की पूजा करते हैं। आप देख सकते हो किस तरह से माता रानी की आरती की जा रही है।
दोस्तों, अभी यहाँ पे घी को डालने के लिए कढ़ाई साफ की जा रही है। जितनी भी प्रजा है वो अपने अपने घरों से घी, चीनी और आटा लाते हैं माता रानी को भोग चढ़ाने के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ पे सभी अपने अपने घरों से आटा, चीनी और घी लाते हैं और अभी यहाँ पे प्रजा जो है वो माता रानी को भोग चढ़ाने के लिए हलवा तैयार कर रहे हैं। और साथ में ही यहाँ पर दूसरे डब्बे में लड्डू रखे गए हुए हैं। ये लड्डू आटे के बनाए जाते हैं, तो इन्हें पानी में बॉईल करके बनाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी प्रजा है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर माता रानी को भोग चढ़ाने के लिए लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और ये लड्डू आटे के बनाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रजा के कुछ लोग लड्डू बना रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग हलवा बना रहे हैं और लड्डू को पका रहे हैं पानी में। सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं माता रानी को भोग चढ़ाने के लिए। आप देख सकते हो किस तरह से लोग काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर। और आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी धूप लगी हुई है और हरियाली भी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है और पहाड़ों की चोटियों पे हल्की हल्की बर्फबारी है अभी भी। और नीचे कढ़ाई में आप देख सकते हो घी जो प्रजा के लोग लाए हुए हैं और लोग भी काफ़ी ज़्यादा है आज। दोस्तों, अभी माता रानी के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़, आप देख सकते हो किस प्रकार से लोगों ने लाइन लगाई हुई है माता रानी के दर्शन करने के लिए और लोग भी यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर लड्डू भी बनकर तैयार हो चुके हैं लगभग। आप देख सकते हो किस तरह से लड्डू बनाए गए हैं और किस तरह से पक कर ये तैयार हुए हैं। थोड़े बहुत लड्डू अभी पक रहे हैं और साथ में ही यहाँ पे हलवा भी बनकर तैयार हो चुका है लगभग। ये देखिए, भोग चढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हलवा और लड्डू बनाए जाते हैं। सबसे पहले माता रानी को भोग चढ़ाया जाता है, उसके बाद जितनी भी प्रजा होते हैं वो सारे अपने अपने घरों के लिए प्रसाद लेके जाते हैं, लड्डू और हलवा अपनी फैमिली के लिए। दोस्तों, अभी लगभग सारा सामान तैयार हो चुका है, अभी माता रानी की आरती हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर माता रानी को भोग चढ़ाया जाता है, माता रानी की आरती की जाती है, हलवा और लड्डू माता रानी को भोग पे चढ़ाए जाते हैं। तो जितने भी श्रद्धालु होते हैं यहाँ पर सारे एक साथ मिलकर माता रानी की आरती करते हैं और माता रानी को भोग चढ़ाते हैं। जिस प्रकार से सुबह आरती की जाती है माता रानी की, तो शाम को भी उसी तरह से माता रानी की आरती की जाती है। दोस्तों, मंदिर के पुजारी अभी माता रानी की आरती कर रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह से माता रानी की आरती की जा रही है। दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और मोटिवेट होकर मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।